सिद्धार्थगंज में केआर हॉस्पिटल का क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी के हाथों से शुभारंभ किया गया। हॉस्पिटल में 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी, जिसमें शहर के कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। किस तरीके से देख रहे हैं आप कि शहर में जो है हॉस्पिटल लगातार खुल रहे हैं और किस तरीके से जनसंख्या बढ़ी है, क्या मानते हैं आप? देखिए, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ केयर हॉस्पिटल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने आज ये अस्पताल सिद्धार्थगंज में खड़ा किया है। और अच्छी पहल है। देखिए, पिछले 2 साल में लगभग 2-3 अस्पतालों का उद्घाटन हो चुका है सिद्धार्थगंज में, एक नया और बन रहा है सेट हॉस्पिटल, तो अच्छा है। सिद्धार्थगंज के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, जो पेशेंट्स को भटकना पड़ता था, जो रुद्रपुर हल्द्वानी और हिमा जाते थे अपना इलाज कराने, आज अगर उनको अच्छा और सस्ता इलाज सिद्धार्थगंज में मिल सकता है तो बहुत अच्छी पहल है। और मैं उम्मीद करूँगा कि हॉस्पिटल प्रशासन जो है अच्छा काम करेंगे, पेशेंट्स की देखभाल करेंगे और उनको सस्ता इलाज प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सुविधा मिलेगी, कम खर्च, उचित उपचार मिलेगा, बहुत कम फीस रहेगी, हम लोगों की नॉर्मल फीस रहेगी। और हमारे नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी भास्कर भी आ चुके हैं, जो यहाँ पर 24 घंटे अपनी सेवा देंगे। डॉक्टर राहुल गंगवार MBBS लेप्रोस्कोपी सर्जन, जो हमारे यहाँ OT की पूरी देख रेख में वही बैठते हैं। बाकी डॉक्टर मोहित अग्रवाल बच्चों के पीडिया के हमारे यहाँ सितारगंज में नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित अग्रवाल पहली बार आ रहे हैं, जो प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देंगे यहाँ पर। डॉक्टर 24 घंटे यहाँ रहती हैं। मैं डॉक्टर हरजिंदर सिंह जनरल फिजिशियन 24 घंटे यहाँ रहता हूँ। और डॉक्टर OP भास्कर हमारे जो नस रोग विशेषज्ञ आए हैं, उनकी सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। ये कैंपिंग हमारी लगातार ऐसी जो पहले चली आ रही है लगातार रहेगी। अभी मेरा एक कैंप लगने जा रहा है, 10 तारीख में कैंप लगेगा, जिसमें सिर्फ नसों का इलाज मुफ्त किया जाएगा और खून की जाँचें जो 50% की छूट भी दी जाएंगी। एक कैंप मेरा अगले संडे लगने जा रहा है, जिसमें मैं सभी प्रकार के ऑपरेशन में 50% की छूट दूंगा गरीबों के लिए। कैंप वो ही हॉस्पिटल में लगेगा। थाना प्रतापपुर क्षेत्र के घाट गांव में खेत से लौट रही 2 सगी बहनों के साथ एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार करने का प्रयास किया गया, जिससे महिलाओं ने शोर मचाया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी व्यक्ति मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां के लोगों ने आत्माराम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये जो आप थाने आए हो, किस मामले को लेकर आए हो, क्या हुआ आपके साथ? और वो आत्माराम रास्ते में अपने गेट के सामने रास्ते में खड़ा था, जैसे ही निकले जा रहे थे और आत्माराम रास्ते में खड़ा था और कहने लगा बहुत अच्छी लग रही, हमने कहा क्या कह रहा, तो उसने अचानक ही जबरदस्ती अंदर को खींच लिया दोनों बहनों को, और एक और था वो हम देख नहीं पाए, उसे हम पहचानते नहीं है। आत्माराम को हम पहचानते हैं अच्छी तरह से। ये आत्माराम कौन कौन है? आत्माराम पड़ोसी है। कहाँ का रहने वाला? गाँव घाट का। देवरिया जनपद के पुलिस लाइन के बगल में रहने वाले एक व्यक्ति सन्नी की घर के बाहर बने गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी तलाश के बाद भी शव नहीं मिला, लेकिन आज दोपहर 12 बजे सन्नी का शव पानी में तैरता हुआ मिला। परिजन शव को पानी से बाहर निकालकर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर जिलाधिकारी से मुआवजे की मांग की। मौके पर उपजिलाधिकारी सदर ने जाकर परिजनों को समझाया और जाम समाप्त कराया। देश विदेश में कई तरीके के मेले लगते हैं, लेकिन प्रदेश की राजधानी जयपुर के पास लुनियावास में खलकानी माता के मंदिर के पास एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ गधों का मेला लगता है। मेला ही नहीं बल्कि खरीद फरोख्त भी की जाती है। ये मेला हर वर्ष अश्विनी महीने के नवरात्रों में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर दशमी तिथि तक 4 दिन तक लगता है, लेकिन अब इस मेले से गधे सिर्फ नाम के ही रह गए हैं। भैया, ये जो यहाँ पर लुनियावास में गधों का मेला भरता है, पहले यहाँ पर केवल स्पेशल गधों का ही भरता था, अब यहाँ पर देखने को तो गधा एक भी नहीं मिल रहा, खच्चर या घोड़े आने लगे इसमें। हाँ। घोड़े भक्ति है, गधा तो कम आने लगे, सब बंद हो गए, गधे कम आते, गधे का नाम है खाली घोड़े भक्ति इसके अंदर। विश्व प्रसिद्ध मेला बताया जाता है गधों का ये। हाँ। लेकिन गधे यहाँ पर नहीं आ रहे, इसके पीछे वजह क्या है? वजह क्या, गधा को रखना ही नहीं लग रहा है, इस वास्ते नहीं आ रही, कोई कम रखना नहीं। ओके, पहले यहाँ पे कितना जोर का भरता था या कम भरता? गधे गधे आते थे छोटे, इसमें कोई नहीं आते थे। अच्छा, और अब ये घोड़े आने लग गए, तो घोड़े आने लगे। 10-11 साल से गधे कम आ रहे इसमें, पिछले 10-11 साल से। आपका शुभ नाम? बबलू है मेरा नाम। कहाँ से आए हो आप? गोलियावास मानसरोवर, पत्रकार से। अच्छा, पत्रकार का लोनी है।